तो दोस्तों माई टेक में आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में बताएंगे कि रियलमी के फ़ोन में आप ऐप को कैसे हाइड करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हाइड ऐप करते हैं तो आपका कोई भी ऐप नहीं देख पाएगा जिस ऐप को आप हाइड किए हैं। क्यों करना चाहते हैं? अगर हमको दूसरे को उस ऐप को नहीं दिखाना चाहते तो आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐप जो भी हाइड किए उस ऐप को नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजाना न भूलें। मैं छोटे इंट्रो के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग के ऐसा फेस खुल के आएगा, उस पर आप सर्च में कर लीजिए ऐप लॉक। ऐप लॉक, ऐप लॉक करने के बाद आप लोग ऐप लॉक फिंगरप्रिंट या फेस पासवर्ड पर नहीं क्लिक करना। सबसे थर्ड पर देखिए ऐप लॉक प्राइवेसी पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसा फेस खुल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ऐप लॉक लगाना है, तब आपका ऐप हाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ऐप लॉक पर क्लिक कीजिए ऐसा फेस खुल के आने। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसा फेस खुल के आएगा कि सेट प्राइवेसी पासवर्ड टू यूज ऐप लॉक। सबसे पहले आप सेट पासवर्ड लगा लीजिए प्राइवेसी लॉक पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग के प्राइवेसी पासवर्ड आप डाल दीजिए, ठीक है। जो भी डालना चाहते डाल दीजिए, ठीक। डालने के बाद आप लोग को उस पर यूज कर लीजिए, ठीक है। दोबारा से डाल दीजिए इसी पासवर्ड को, दोबारा वेरीफाई के लिए डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद आप लोग ऐसा फेस खुल के आएगा और पूछेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वन ऑफ योर टीचर। आपका मैंने टीचर के क्या नाम है वह डाल दीजिए। आप पासवर्ड भुला जाते हैं तो आप इस पर जो भी ई पासवर्ड डाले आप इस पर खोल सकते हैं, ठीक है। मैं हम डाल दे रहा हूँ, आप जो भी डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैं डाल दिया, उस पर डन कर दीजिए, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग को ऐसा फेस खुल के आएगा तो आप जो भी आप पासवर्ड ऐप पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर लगा देता हूँ दो पर, एक फेसबुक पर एक व्हाट्सएप पर मैं लॉक लगा देता हूँ। दो ऐप पर मैं लगा दिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐप दो पर ही लगाया। तो लॉक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को यूज पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग ऐसा फेस खुल के आएगा, ठीक है। उस पर आप लगाना चाहते हैं किस पर, उस पर भी यहाँ से लगा सकते हैं। फेसबुक पर लगाए थे या और पर लगाना तो यहाँ से भी लग सकता, वहाँ से भी लग सकता। तो अमेजन पर भी लगाना चाहते हैं तो अमेजन पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपका ऐप लॉक पूछा, उस ऐप लॉक इसलिए लगाते हैं तभी आपका ऐप हाइड हो सकता। तो ऐप लॉक क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा फेस खुल के आ जाता है। ऐप लॉक लग गया तो आपका हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका सेट एक्सेस कोड मांगेगा, मैंने आप फिर से पासवर्ड आपको मांगेगा जब भी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा और इसको पासवर्ड डालने के पहले सबसे स्टार्ट में आप हज डालना, उसके बाद जो भी अंक डाल लीजिए, डाल दिया, उसके बाद अंत में भी हज, शुरू में हज और अंत में हज डाल जाना जरूरी है। यह पासवर्ड आप लोग याद कर लीजिए तभी आपको यह हाइड ऐप खुलेगा। उसके बाद डन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसा फेस खुल के आएगा, डन कर दीजिए। यहाँ पर डायल जो भी है तो यहाँ पर एक्सेस पर करके डन कर दीजिए। करने के बाद आप लोग को हाइड ऐप हो गया। देख जो भी आप हाइड ऐप किए थे आप उसको देखना चाहते तो आप डायल की पैड पर क्लिक कीजिए और जो भी पासवर्ड डाले थे उस पासवर्ड को डालिए। मैंने ये डाला था पासवर्ड, आप भी जो भी पासवर्ड डाले उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद आप लोग के ऑटोमेटिक जो भी हाइड हम ऐप किए, देखिए अमेजन को हम हाइड ऐप किए थे तो यहाँ पर अमेजन हाइड हो गया, समझिए। अगर आपको फिर से अनहाइड करना, ऐप को हाइड नहीं करना तो आप सेटिंग पर फिर ऐप को अनहाइड करना है तो आप ऐप लॉक पर जाइए। जाने के बाद आपका अपना पासवर्ड डाल लीजिए। डालने के बाद अब जो भी आप अमेजन ऐप को हाइड किए अनहाइड करना चाहते
तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अनहाइड हो जाए। समझ गए, एकदम इजी प्रोसेस है। अगर मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजाना न भूलें, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, अगले वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता। ओके बाय, टेक केयर।